हेलो एवरीवन, माय नेम इज वरुण एंड आई एम फ्रॉम वंडर ब्रेन्स। आज हम एक सेशन आपको सिखा रहे हैं। दिस विल बी अ क्विक शॉर्ट सेशन फॉर यू। इस सेशन का नाम है इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। तो एक बार मैं उसको बोर्ड में लिख देता हूँ, आप सब यहाँ पे ध्यान देंगे एंड फॉर द एंटायर सेशन आप लोग प्लीज मुझे देखते रहेंगे और यहीं पर ही बोर्ड में देखते रहेंगे व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू। सो इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग हमारा सेशन है आज का। सो इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग क्या होता है वो समझते हैं पहले। ऑन द स्पॉट बोल पाना उसको कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। जब आप ऑन द स्पॉट बोलते हो, आप इससे कई सारे लोग होंगे जो बोलने में डरते होंगे और कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बोल तो लेते हैं बट कभी कभी जब टॉपिक प्रिपेयर्ड नहीं होता है तो नर्वस होते हैं, या फिर ऑन द स्पॉट जब टॉपिक मिलता है तो उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं। जब प्रिपेयर करके बोलना होता है तो दैट्स ऑल वेल एंड गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिपेयर करके तो हम कितनी अच्छी स्पीच भी दे सकते हैं, बट ऑन द स्पॉट कैसे बोला जाए ये थोड़ी डिफिकल्ट स्किल है। स्किल क्या है, एक डिफिकल्ट टेक्निक कह सकते हो, क्योंकि उसको करने का एक तरीका है। अगर वो टेक्निक आपने मास्टर कर ली तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऑन द स्पॉट बोल सकते हो। देखिए पहली चीज तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहली चीज है ऑब्जर्वेशन सर, ऑब्जर्व करना। जब आप कुछ ऑब्जर्व करते हो ना तो आपके दिमाग में क्या रिंग करता है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने अभी एक गिटार रखा हुआ है, तो आई एम ऑब्जर्विंग दैट गिटार। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज कमिंग इन टू माई माइंड इज मे बी जिमी हेंड्रिक्स या फिर कोई एक अच्छा गिटारिस्ट जॉन मेयर। मेरे दिमाग में पहला वो अभी चीज़ आ रही है। आपके दिमाग में जो चीज़ आएगी वो डिफरेंट होगी। आप जब गिटार देखते हो तो शायद आपके दिमाग में आ रहा हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मेरे दिमाग में आर्टिस्ट आता है बिकॉज मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ। एक थर्ड पर्सन है, मान लीजिए मैं अपने ग्रैंडफादर को बुलाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप गिटार देखिए, तो उनके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है। हम तीनों के दिमाग में आने वाला पहला रिएक्शन डिफरेंट है, राइट? तीनों के दिमाग में आने वाला रिएक्शन डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि तीनों का ऑब्जर्वेशन लाइफ भर का अभी तक का डिफरेंट है, यानी सबकी मेमोरी डिफरेंट है। मेमोरी इज नॉलेज, ये समझना इंपॉर्टेंट है। मेमोरी ही नॉलेज होती है। तो जो आपकी मेमोरी है लाइफ भर की, जो आपका ऑब्जर्वेशन है लाइफ भर का, वही आपका कॉन्टेंट है और वही आप बोल पाओगे। तो जब इम्प्रॉम्प्टू कुछ टॉपिक मिलता है तो ये बहुत जरूरी है कि उसका उससे रिलेटेड आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा है लाइफ में आज तक, तभी आप इम्प्रॉम्प्टू बोल पाओगे ना। अगर मैं बोलूं नाउ स्पीक ऑन द सीरियन क्राइसिस, अब सीरियन क्राइसिस जो इतना बड़ा क्राइसिस था और अभी है और रहेगा अभी कुछ सालों तक, हमें नहीं पता कितने सालों तक, तो जब सीरियन क्राइसिस टॉपिक है तो द फर्स्ट थिंग दैट इज कमिंग इन टू माई माइंड, उसका पूरा रिलेशन मेरी मेमोरी से है। मेमोरी यानी मैंने सीरियन क्राइसिस, सीरिया वॉर, इन सब के बारे में कितना अभी तक लाइफ में पढ़ा है। जितना पढ़ा होगा उतना ही तो सोच पाऊंगा, जितना ऑब्जर्व किया होगा उतना ही तो याद कर पाऊंगा, जितना देखा होगा उतना ही तो रिकलेक्ट कर पाऊंगा। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी मेमोरी है। जैसा कि मैंने कहा मेमोरी इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, मेमोरी। तो आपकी मेमोरी इंप्रूव करिए सर, अपना ऑब्जर्वेशन इंप्रूव करिए लाइफ में, अपना डेटा इंप्रूव करिए। अब सवाल ये उठता है कि डेटा इंप्रूव कैसे करिए। डेटा आप इंप्रूव करेंगे अच्छी किताबें पढ़ के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे कॉन्टेंट से अपने आप को रूबरू कराइए, अच्छी बुक्स उठाइए, फिक्शन, नॉन फिक्शन, फिक्शन भी चलेगी। फिक्शन से हम सीखते हैं बातों को पेश कैसे करना है, फिक्शन से हम सीखते हैं कि बातों को ब्यूटीफाई कैसे करना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। नॉन फिक्शन पढ़िए, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, अच्छी कहानियां पढ़िए, अच्छे इंसिडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। द टॉप 10 इंसिडेंट्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड या फिर शेप्ड द वर्ल्ड, आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी तक अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो ये बहुत अजीब सी बात है, आज के बाद किसी को मत कहिएगा, बिकॉज हिस्ट्री से हम सीखते हैं। वो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए नहीं है सिर्फ, वो हमें सिखाने के लिए। हिस्ट्री भी हमें शेप करती है, हमारा प्रेजेंट हिस्ट्री शेप करती है। तो अगर प्रेजेंट में आप नहीं बोल पाते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं, तो उससे उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपका अभी तक का ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है सर, आपका अभी तक की मेमोरी उतनी अच्छी स्ट्रांग आपने बिल्ड नहीं करी है। दूसरी चीज जो इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग में आती है, ऑब्जर्वेशन तो एक पहला पार्ट है, दूसरा है सर लैंग्वेज। ये देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए और ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में देखते रहिए, कहीं और नजर मत फेराइए। अभी सब नोटिफिकेशन वगैरह बंद कर दीजिए, सब यहां ध्यान दीजिए। दूसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामर। इंग्लिश में बोलते हैं ना, वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश वेन एवर वी आर ऑन अ स्टेज, वी कैनॉट स्पीक इन हिंदी इफ इट्स नॉट अ हिंदी कॉम्पिटिशन, बट मोस्टली ऑल द कॉम्पिटिशंस आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो दे इवन हैव अ डेडिकेटेड मार्किंग स्कीम जिसको फोकस करा जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप ऑन द स्पॉट बोलना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज में अपना ग्रामर में काम करिए। अभी देखिए हर एक चीज हम यहाँ पे भी आपको सिखाएंगे, बट ये ओवरऑल एक मैं आपको एक उसका पूरा जस्ट दे रहा हूँ, पूरे हमारे इस कोर्स का जो चलेगा पूरे। तो उसमें पहला टॉपिक आज
इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग है, उसमें हमने ऑब्जर्वेशन की बात करी, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की। ग्रामर इंप्रूव करिए, रेन एंड मार्टिन नाम की एक किताब है, वो ग्रामर में आपको अच्छा बेस आपका स्ट्रॉन्ग करेगी। देन वर्ड पावर मेड इजी, वोकैबुलरी बिल्डिंग की एक किताब है। इन सारी किताबों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के और कुछ अच्छी बुक्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस लिंक्स में जाइए और वो चीज़ें आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा उसमें कोई कमीशन नहीं है, आप कहीं और से भी कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए आपको दिया हुआ है। सो लैंग्वेज में काम करिए, अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करिए, अपने ग्रामर इंप्रूव करिए, वोकैबुलरी इंप्रूव करिए, अच्छे शोज देखिए, अच्छी इंग्लिश सुनिएगा, तभी अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। अमेरिकन शोज आप देखते हैं, अच्छी बात है, बट अमेरिकन इंग्लिश हमारी इंग्लिश से अलग होती है, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि अमेरिका में जो लोग बोल रहे हैं कई बार हमारे वहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, कई बार वो गलत इंग्लिश बोलते हैं, हमारे हिसाब से जो गलत है उनके समाज में वो सही है। तो ये एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम अ टीवी शो, दैट्स ओके, बट ट्राई नॉट टू यू नो जस्ट कॉपी इट फ्रॉम देयर, रीचेक थिंग्स, रीचेक भी चीजों को करिए। नाउ थर्ड थिंग है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो है प्रेजेंटेशन सर। अब प्रेजेंटेशन क्या है? चीजों को पेश कर पाना, राइट? वो दिवाली के टाइम पे मिठाई का ऑर्डिनरी डब्बा भी सजाया जाता है ना, उस तरीके से जब आप एक स्पीच देते हैं तो उसको सजाने की कला आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन की कला आनी चाहिए। लैंग्वेज हमने कवर कर लिया, ऑब्जर्वेशन कवर कर लिया, लैंग्वेज कवर कर लिया, प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन क्या है? कैसे आप खड़े होते हो स्टेज में, कैसी आपकी आवाज है, द वॉइस हैज टू बी लाउड एंड क्लियर, द वॉइस हैज टू बी इंपैक्टफुल। स्टेज में खड़े होकर ऐसे नहीं बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज वरुण, यहीं से आपका कॉन्फिडेंस खत्म होना शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है सर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, तो थोड़ा सा अभी आप इसमें पेशेंट रहेंगे, हम धीरे धीरे हर चीज कवर करेंगे। आज सिर्फ बात इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग की हो रही, तो ये तीन पॉइंट बिल्कुल दिमाग में इनको जमा कर लीजिए, अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए इन तीन पॉइंट्स की। ऑब्जर्वेशंस, अपना कलेक्शन डेटा इंप्रूव करिए, अपनी मेमोरी स्ट्रांग करिए, इसमें कॉन्टेंट अच्छा करिए, लैंग्वेज ग्रामर वोकैबुलरी इन सब चीजों को इंप्रूव करिए, प्रेजेंटेशन स्टैंडिंग स्पीकिंग जेस्चर्स वॉइस मॉड्यूलेशन एक्सप्रेशंस हर एक चीज को काम पे काम करिए, तब आप एक अच्छे इम्प्रॉम्प्टू स्पीकर होंगे। अब ये थी थ्योरी, इसका प्रैक्टिकल हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें मैं आपको ऑन द स्पॉट एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगा जिसको आप घर में ट्राई कर सकते हैं और एक अच्छा इम्प्रॉम्प्टू स्पीकर बन सकते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए क्योंकि वीडियो आने वाला है कल, तो कल वो एक्टिविटी का वीडियो आएगा। उससे पहले जो बातें मैंने बोली डिस्क्रिप्शन में उसको एक बार चेक करिए, उन किताबों को, उन चीजों को आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्टिविटी ऑन इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। माई नेम इज वरुण, आई एम फ्रॉम वंडर ब्रेन्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग।